नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब 3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स इस महीने के अंत में टूरिन इटली में 2023 नीटो एटीपी फाइनल्स में फैन कस्टमाइजेबल डिजिटल और फिजिकल टेनिस पोस्टर्स लॉन्च करने के लिए डिजिटल आर्ट प्लेटफॉर्म आर्ट चाइल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। 12 से 19 नवंबर तक सीजन के अंत वाले टूर्नामेंट के लिए कोर पोस्टर्स लॉस एंजलिस बेस्ड आर्टिस्ट ऑनर टिटस द्वारा डिजाइन किया जाएगा। टेनिस थीम पेंटिंग्स के लिए इंटरनेशनली जाने जाने वाले टिटस ने एक रिलीज में कहा कि टेनिस हिस्ट्री और सुरुचिपूर्ण बारीकियों से इतना समृद्ध है कि ये आर्टिस्ट के लिए एक उत्कृष्ट विषय है। फैंस आर्टिस्ट क्यूरेटेड कलर पैलेट्स का उपयोग करके आर्ट चाइल्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल नीटो एटीपी फाइनल्स पोस्टर के अपने वर्जन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। पोस्टर्स को प्रिंट किया जाएगा और इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर एनएफटी कलेक्टिबल मिंट के लिए परचेजेस को भेजे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेट्रो गेम पब्लिशर अटारी 1980 के ओरिजिनल से प्रेरित अपने अटारी क्लब मेंबर्स जैकेट्स के नए वर्जन्स लॉन्च कर रहा है। अनाउंसमेंट के अनुसार नेवी ब्लू जिप अप जैकेट्स गुरुवार से 1 दिसंबर तक सेल पर रहेंगे और सिर्फ अटारी के ERC NFT होल्डर्स के लिए अवेलेबल होंगे। ओरिजिनल जैकेट्स की तुलना में नए वर्जन्स अधिक थिकर मटेरियल के होंगे और अटारी लोगो अब रिमूवेबल पैच नहीं है बल्कि कोट्स पर एम्ब्रॉयडर्ड की गई है। ये मेंबर्स ओनली फैशन ब्रांड के साथ एक ऑफिशियल कोलैबोरेशन है जो 1980s में अटारी की तरह ही पॉपुलर था। जबकि फैंस क्रिप्टो के बिना बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। अटारी की वेबसाइट बताती है कि मई में लॉन्च किए गए ERC NFT के ओनर्स को नए मेंबरशिप जैकेट्स तक प्री सेल एक्सेस के अलावा मर्च, वोटिंग प्रिविलेजेस और डिस्काउंट्स तक जल्दी पहुंच प्राप्त होगी। नए जैकेट्स लगभग फरवरी या मार्च 2024 तक बायर्स को डिलीवर नहीं किए जाएंगे, लेकिन फैंस इस बीच पब्लिशर की दुकान से अटारी पैच खरीद सकेंगे और उनके आने पर उन्हें अपने जैकेट में अटैच कर सकेंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। रीसेंट डेवलपमेंट में UAE में स्थित रेबल के बिजनेस पार्टनर लुलू एक्सचेंज ने AI मारा कम्युनिटी बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में प्रशंसित पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड वर्चुअल बैंक है। मिडल ईस्ट रीजन पर केंद्रित एक पब्लिशिंग फर्म जोया ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में इस डेवलपमेंट को कैप्चर किया। रिपोर्ट के अनुसार लुलू एम बैंक कोलैबोरेशन का उद्देश्य एम बैंक वॉलेट ऐप और एम बैंक UAE के माध्यम से रियल टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करना है। इसके साथ साथ ये एम बैंक के यूजर्स को देश भर में किसी भी लुलू एक्सचेंज ब्रांच में आसानी से कैश डिपॉजिट करने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। इसके अलावा रिपोर्ट ने रेखांकित किया कि रिपल पार्टनर के वर्चुअल बैंकों और टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ जुड़ाव के हिस्ट्री ने एम बैंक अलायंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा इसने इनोवेटिव और सिक्योर टेक्नोलॉजीज का लाभ उठाकर बैंकिंग सर्विसेज में क्रांति लाने के लिए AI मारा कम्युनिटी बैंक की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस पेमेंट्स कंपनी एडवोकैश के साथ अपनी पार्टनरशिप बंद कर सकता है। ये कदम नए नियमों के कारण बाइनांस के रशिया छोड़ने के फैसले के बाद उठाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सुझाव है कि बाइनांस और एडवोकैश की पार्टनरशिप ने सैंक्शंस के तहत रशियन बैंक्स के बीच मनी मूव करने में मदद की होगी। हालांकि एडवोकैश इससे इनकार करता है। उनका कहना है कि उन्होंने 2022 में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए रशियन करेंसी का उपयोग बंद कर दिया है। एडवोकैश इस बात पर जोर देता है कि वे सभी लॉज और रूल्स का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकैश सभी यूजर्स की सावधानी पूर्वक जांच करता है और KYC और AML रूल्स का पालन भी करता है। बाइनांस ने रशियन करेंसी में ट्रांजैक्शन के लिए 2019 में एडवोकैश के साथ काम करना शुरू किया। इस पार्टनरशिप को समाप्त करने से रशिया में बाइनांस के काम करने का तरीका बदल जाएगा। ओवर टू यू रोशनी। 30 अक्टूबर 2023 को डिलीवर बैंक्रप्सी कोर्ट ने जज ब्रेंडन शेनॉन ने बिट्रेक्स के चैप्टर 11 प्लान को मंजूरी दे दी। लोकल सर्विसेज से अप्रूवल को US स्टेट्स में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को वापस लेने की अनुमति मिल जाएगी जहां ये पहले ऑपरेट होता था, जिसमें सीटिल, माल्टा और दो लोकेशंस और इसकी एफिलिएटेड एंटिटी डिसोल्यूशन होल्डिंग LLC शामिल है। कोर्ट का फैसला एक्सचेंज के लिक्विडेशन प्रपोजल को अनुमति देता है। लीगल डॉक्यूमेंट के अनुसार बिट्रेक्स US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की इनफॉर्मल कमेंट्स को एड्रेस करने के कुछ मॉडिफिकेशंस करने पर सहमत हुआ। अमेरिका में बंद होने के बावजूद एक्सचेंज ने दावा किया कि बिट्रेक्स ग्लोबल सामान्य रूप से काम कर रहा है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब थ्री से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।